एक पोएम करेंगे आज, पोएम 2.4, एडगर गेस्ट की पोएम है, हैव यू अर्नड योर टुमारो, क्या आपने अपना जो कल है उसको अर्न किया है, उसको कमाया है, या आप क्या आप उसको डिजर्व करते हो, ऐसा ये सवाल पूछ रहा है एडगर गेस्ट। इट्स ऑन पेज नंबर 111, निकालेंगे पेज नंबर 111, एक ही पेज की ये पोएम है, बहुत इजी है पोएम भी, इसमें ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच भी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत सुंदर है इसलिए, ठीक है। चलो शुरू करेंगे, एडगर गेस्ट के बारे में पढ़ेंगे पहले, फ्रॉम 1881 टू 1959। Edgar Guest was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. 14 साल का था वो जब लिखना शुरू किया उसने, ठीक है, और तुम 16 साल, 17 साल, 18 साल के होने को आ रहे, कुछ नहीं लिखते। आगे, Edgar Guest is known as people's poet. People's poet बोला जाता है इसको, लोगों का कवि है ये, शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि छोटी पोएम लिखता है और इजी लिखता है, ज्यादा टेंशन नहीं लिखता, ठीक है, गंदी चीजें बड़े बड़े वर्ड्स ही डालता, सिंपल चीजें लिखता है, इसलिए people's poet. For his simple style and optimistic tone, underline optimistic tone of writing. Guest is an American writer of newspaper and magazines. तो बहुत जगह लिखता है अपना भाई। Optimistic लिखो, positive. This is an inspirational poem. तो जैसे poem खत्म होंगी तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम inspire हुए क्या? बताना मुझे, ठीक है? This is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you have or you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. तो अगर आप अच्छा future चाहते हो, तो आपको लोगों को मदद करनी चाहिए और रोज अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि आज मैंने कुछ बेटर किया या नहीं, ठीक है, या आज आप सवाल पूछोगे कि कल मैंने कुछ बेटर किया था या नहीं जो मैं आज डिजर्व करता हूं, ठीक है, अपने आप से सवाल करना चाहिए आपने, ऐसे एडिटर का कहना है, ठीक है, रोज सुबह उठ के अपने आप से सवाल करो और कल कुछ नहीं किया होगा तो आज करो, आज अगर तो कुछ कर भी लिया, किसी की मदद कर दी आपने, तो कल फिर उस अच्छी चीज को कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिए बहुत अच्छा ही अब नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो लोगों की मदद करो, उनकी मदद करो, इनको जरूरत है, ठीक है, जबरदस्ती मदद नहीं करना है कि जैसे बचपन में सिखाते ना बच्चों को कि ये बूढ़े लोगों को रोड क्रॉस करवाओ, ठीक है, तो कुछ बच्चे जबरदस्ती पकड़ के बूढ़े इंसान को वहीं रहना है, उसी दुकान पे काम है, लेकिन नहीं चलो अंकल आपको रोड क्रॉस करवाएंगे, ऐसा जबरदस्ती नहीं करवाएंगे किसी को रोड क्रॉस, ठीक है, जिसको जरूरत है उसको हेल्प करेंगे। तो शुरू करेंगे, हैव यू अर्नड योर टुमारो, अंडरलाइन हैव यू अर्नड, हैव यू अर्नड मीनिंग लिखेंगे, डू यू डिजर्व, do you deserve, तो ये तो tomorrow की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कि यार तुमने हर समय ये बोलना चाहिए, तुम दिन में तीन टाइम खाना खाते हो, तुमने तीनों टाइम में सोचना चाहिए, do I deserve this lunch, do I deserve this breakfast, do I deserve this dinner, ठीक है, कुछ पढ़ो, कुछ करो, उसके बाद वो खाना खाओ, तो उस खाने में आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पोकट में बस खाए जा रहे हैं, मेहनत वेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब पोकट में चालू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले थोड़ी मेहनत करो और बाद में वो खाना खाओ तो तुमको लगेगा यू डिजर्व इट, ऐसा।
anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Underline through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Utter. Underline utter. Through ka matlab over. Through ka matlab over. And utter ka matlab speak. तो लगभग ये दिन खत्म हो चुका है, तुमने दिन भर काम किया, लेकिन क्या तुम ये बोल सकते हो कि तुमने किसी को खुश किया? क्या तुम ये बोल सकते हो कि तुमने किसी से बात की और वो इंसान तुमको आज तुम्हारे बारे में सोच रहा है और बोल रहा है कि वो कितना अच्छा इंसान था, उसने मेरे से बात की, उसने मुझे सजेशन दिया, उसने मेरी मदद की, ऐसा? ठीक है, और रात को सोते समय वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचे और तुमको मन ही मन थैंक यू बोले, क्या तुमने ऐसा करने लायक उसको तुम्हारे बारे में सोचने लायक, पर्सन टू को पर्सन वन के बारे में सोचने लायक, पर्सन वन ने ऐसा कोई काम किया है क्या? दैट इज अ क्वेश्चन। और अगर किया है तो ऑफ कोर्स यू डिजर्व योर टुमारो, अदरवाइज नॉट, ऐसा शायद बोलने का मतलब है यहां पर कवि का, इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलेंगे अगली पंक्तियों की तरफ। नेक्स्ट एंसर, Did you give a cheerful greeting to a friend who came along? Underline greeting. Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Underline howdy. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Underline rushed. Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Underline mighty. Mighty का मतलब है, होता है strong। यहां पर हम बोल तो सकते हैं strongly बोलो यहां पर strongly। Rushed मतलब moved with emergency या urgency, moved with urgency। Howdy का मतलब है how are you? Howdy is how are you? एंड ग्रीटिंग मतलब किसी को भी आपने प्यार से दो शब्द कह दिए, ऐसा पोलाइट वर्ड्स। अब यहां पर फ्रेंड मतलब कोई भी अननोन पर्सन, जनरल पर्सन हो गया जिसको तुमने अच्छे से प्रेम से बात की उससे। ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड रहते हैं उनसे अपन प्यार से बात करते क्या? नहीं, वो मिलेगा तो चार गाली देंगे, चार गाली सुनेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, जब तक वो दोस्त को कुछ बोलो नहीं आए तेरे शब्द, तब तक वो दोस्ती में मिठास नहीं आती, वो अलग बात हो गई। लेकिन तीसरे पर्सन से मिल रहे हो, उसको गाली गलौज करेंगे क्या अपन? नहीं, उसको तो प्रेम से बात करना पड़ेगा ना। तो ऐसा एक रैंडम फ्रेंड मतलब रैंडम पर्सन। ठीक है, तो हाउडी जो है ये वेस्टर्न कल्चर में बोला जाता है, हाउडी मतलब हाउ आर यू। तो यहाँ पर तुम जब किसी से सुबह मिले तो क्या तुम उससे अच्छे से मिले, प्यार से मिले, उससे अच्छे से आपने बात की? ठीक है, उसको ऐसा तो नहीं किया कि उसको हाँ बेटा कैसा है, चल बढ़िया भाई, बाद में मिलते हैं, अभी मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, आई एम वेरी बिजी यू नो, निकल गए तुम लोग। ठीक है, बाद में उससे बात भी नहीं किया, उसको एकदम इग्नोर कर दिया, तुम अपने आप को बहुत तीस मार का तुर्रम का समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है कहीं। ठीक है, और कोई तुमसे मिलने के बाद या तुम्हारे उसको काम आने के बाद वो बंदा तुम्हारे लिए ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल का मतलब थैंकफुल है, ग्रेटफुल वहां पर लिखा हुआ है, और ज्यादा वो थैंकफुल है। माइटी मतलब यूजुअली तो उसका मतलब स्ट्रांग होता है, ऑल माइटी मतलब सबसे स्ट्रांग भगवान, लेकिन यहां पर माइटी का मतलब है बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, ऐसा। ग्रेटफुल की स्पेलिंग GRATEFUL है। ठीक है, गलती से भी ये मत लिख देना ग्रेट, ये वाला मत लिखना,
ठीक है, इसका मतलब थैंकफुल। चलेंगे आगे, स्टैंजा 3। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद, अंडरलाइन पार्टिंग विद, द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, अंडरलाइन स्लिपिंग फास्ट, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। ठीक है, यहां पर सिंगल ब्रदर अंडरलाइन कर लो, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड। तो यहां पर फर्स्ट लाइन में, सॉरी लास्ट लाइन में अंडरलाइन कर लो, फेडिंग एंड करेज, फेडिंग एंड करेज। करेज का मतलब लिखेंगे ब्रेवरी, करेज का मतलब है ब्रेवरी, करेजियस ब्रेवरी। लेकिन अगर करेजियस होता, करेजियस, तो इसका मीनिंग होता ओनली ब्रेव, सिर्फ ब्रेव लिखते हैं हम इसका मीनिंग ब्रेव, क्योंकि ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका नाउन, समझे, इसलिए हमने करेज का मीनिंग लिखा ब्रेवरी एंड नॉट ब्रेव। आगे फेडिंग, फेडिंग का मतलब लिख दो डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग। ऊपर रिजॉइसिंग है, रिजॉइसिंग का मतलब अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं जॉयस या हैप्पी, हैप्पी भी लिख सकते हैं। उसके ऊपर है स्लिपिंग फास्ट, स्लिपिंग फास्ट मतलब गेटिंग ओवर, खत्म हो रहा है, गेटिंग ओवर, ये दिन खत्म हो रहा है। पार्टिंग विद मतलब हम किसी से दूर हो रहे हैं या हम उससे दूर जा रहे हैं या किसी को अपने से दूर कर रहे हैं, ऐसा। लेटिंग गो, पार्टिंग विद का मतलब लेटिंग गो। तो क्या आज रात को आप ये बोल सकते हो जब ये दिन खत्म हो रहा है कि आपने जो इतने लोग आपको मिले, सिंगल ब्रदर मतलब क्या है यहां पर, मतलब जनरली अगर कोई बंदा जा रहा है हम उसको बोलते हैं अरे भैया वो आपका कुछ गिर गया, वो जा रही है कोई मैडम उसको दीदी ये थोड़ा सा ये कर लो, ऐसा जनरल, भाई भैया दीदी जनरल, ठीक है, वो भाई का मतलब रियल भाई नहीं है, ठीक है, वो जगत भाई है, आपको हिंदी में लिखना होगा तो वहां लिख सकते हैं जगत भाई, ठीक है, मतलब तुम इतने लोगों से मिले उसमें से किसी भैया की मदद किए क्या तुमने, ऐसा, ऐसा नहीं कि ब्रदर मतलब सिर्फ ब्रदर, सिस्टर की भी मदद उसमें, मतलब जगत भाई बहन ऐसा। तो क्या तुमने किसी की मदद की, या कोई कोई हार्ट मतलब कोई इंसान, ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे हार्ट का मीनिंग वहां पर जो है। तो सिंगल हार्ट मतलब सिंगल पर्सन, क्या किसी को तुमने ऐसे मदद की कि वो बंदा रात को सोते समय तुम्हारे लिए थैंकफुल है और वो अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ भैया इसने मुझे मदद की, मैं डिप्रेशन में था इसने मुझे मोटिवेट किया, तो उसका क्या मतलब है, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग, किसी की होप्स थी वो फेड हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी उसकी होप्स, और तुम आकर उसको मोटिवेट कर रहे हो सामने से, चल उठ भाई, ठीक है, चल गोली वड़ा पाव खाते है, चल समोसा खाते है, तो वो एकदम डिप्रेशन से बाहर आ गया बंदा, ठीक है, वो खुश हो गया, वो सोच रहा काश अगर मेरा भाई नहीं मिला होता आज तो मैं क्या कर रहा होता है, ऐसा। तो किसी को तुमने खुश किया क्या, मोटिवेट किया क्या, ऐसा है उसका मतलब। लास्ट स्टैंजा, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, अंडरलाइन सोरली,
Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Scar, underline scar. Underline discontent. As you close your eyes in slumber, underline slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Underline you have earned. You have earned का मतलब तो तुमको पता है, starting में लिखा था हमने, ठीक है? Do you deserve? Do you deserve? Slumber का मतलब लिखेंगे sleep, sleep. Discontent मतलब dissatisfaction. Dissatisfaction. Scar. Scar के अलग अलग मीनिंग होते हैं. Scar मतलब निशान हो जाता है. निशान कब होगा? जब किसी को चोट लगेंगी ऐसा. तो उसका दो मीनिंग लिख सकते हैं हम. पहला लिख सकते हैं स्क्रैच, स्क्रैच. और दूसरा लिख सकते हैं हम वूंड, W O U N D, वूंड. किसी को हमने चोट पहुंचाई ऐसा. सोरली, ऊपर. सोरली मतलब पेनफुली, पेनफुली. तो कवि हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया है और क्या आज का दिन भी वही रोते खाते आपने निकाला. तो आपने किसी को खुशियां बांटी या किसी को दुख बांटे, किसी को गाली गलौज किए, झगड़ा किए किसी से, उसको बुरा भला बोले आपने, ऐसा गया आपका दिन, या किसी की मदद की आपने, काइंडनेस. और रात को जब आपकी आंखें बंद होती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा बोलेंगे कि हाँ भैया तुझे एक और दिन मिलना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू डिजर्व अ टुमारो? ये अपने आप से पूछो या अपने भगवान से पूछो, या भगवान आपके बारे में क्या सोचते होंगे इसके बारे में सोचो, ठीक है? एंड इफ यू थिंक यू डिजर्व टुमारो, तो फिर अगले दिन जाकर लोगों की मदद करो, ठीक है? तुमको लगता है यू डोंट डिजर्व टुमारो, तो कोशिश करो कि डिजर्व कर सको. ऐसा ऐसा नहीं कि टुमारो डिजर्व नहीं करते तो आज ही अपन सुशांत सिंह बन जाएंगे, ठीक है? तो वैसी ख्याल अपने मन में नहीं लाना है और आगे बढ़ना है, ऐसा बोल रहे हमारे प्यारे कवि एडगर गेस्ट. इसी के साथ ये आपकी सुहानी पोएम खत्म होती है. पीपल्स पोएट ऐसे नहीं बोलते इनको, पीपल्स पोएट डिजर्व करते हैं, ठीक है? ही हैज अर्नड द पीपल्स पोएट, ठीक है? तो ही डिजर्व्स. अब यहां पर गिने चुने चार पांच फिगर ऑफ स्पीचेस है, ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है. जितने भी क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क के लिए प्लस आपको पता है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हर जगह रहता है, कचरा है. तो लिख दो पोएम के ऊपर में, साइड में कहीं बाजू बाजू में लिखेंगे इंटरोगेशन कॉमा एलिट्रेशन, इंटरोगेशन कॉमा एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ the words in a single line. And interrogation मतलब कुछ question पूछा जा रहा है वहाँ पर. तो ये दोनों इसमें है throughout, bracket में लिखेंगे throughout. ये हर जगह use हो रहे हैं, interrogation and alliteration. ये हर जगह है, फैला हुआ है पूरा, ठीक है? First stanza की last line. Is there anyone to utter now a kindly word of you? तो ये sentence घुमाया गया है, ठीक है? बिना घुमाए भी काम हो सकता था. वो बोल सकता था कि is there anyone now to utter a kindly word of you? लेकिन थोड़ा सा उसने twist कर दिया, ऐसे ही एक poetic feeling देने के लिए, ठीक है? जैसे
हम घर पे नहीं करते, घर पे हम जनरली पूछते हैं मम्मी खाने में क्या बना है, लेकिन कभी कभी हम हमारे मन का पोएट जब जागता है तो खाने में क्या बना है माँ, ठीक है, हम लोग अलग तरह से पूछते हैं ना वही चीज, तो बस वैसे ही है घुमा फिरा के जबरदस्ती। इनवर्जन, इनवर्जन घुमा के लिखा है, एक उसको अलग टोन देने की कोशिश की है। उसके बाद है सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन, वर यू सेल्फिश प्योर वॉल, अंडरलाइन करेंगे सेल्फिश प्योर एंड सिंपल, सेल्फिश प्योर एंड सिंपल। देखो जो बंदा सेल्फिश है वो प्योर तो नहीं हो सकता, तो ये दो ऑपोजिट वर्ड, पहली बात तो सिर्फ सेल्फिश और प्योर के लिए मैं बोल रहा हूं, ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग है, एक साथ में लाए गए हैं ये वर्ड्स, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। आप उसके आगे लिख सकते हो ऑक्सीमोरॉन के आसपास कि ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन वहीं पर ही पैराडॉक्स, पैराडॉक्स पैराडॉक्स का मतलब आपको पता है अजीब है लेकिन ट्रू है, ठीक है, एब्सर्ड बट ट्रू, एब्सर्ड बट ट्रू, अजीब है लेकिन ट्रू है। तो होते हैं कुछ लोग सेल्फिश भी होते हैं प्योर एंड सिंपल भी होते हैं, ठीक है, अजीब है लेकिन ट्रू है, दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर थ्री में फोर्थ लाइन, सॉरी यस फोर्थ लाइन, इज अ सिंगल हार्ट, इज अ सिंगल हार्ट, तो उसमें अंडरलाइन करेंगे सिंगल हार्ट। ये एक नया फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेकडोकी, सिनेकडोकी, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन भी लिख रहा हूं, सिनेक डकी या ड्यूकी भी बोल सकते हैं इसको, सिनेक ड्यूकी, ठीक है, इसका मतलब है, मीनिंग लिखेंगे इसका, पार्ट रेफर्स टू होल, पार्ट रेफर्स टू होल, पार्ट का मतलब होल है, सिनेक ड्यूकी, जब एक चीज पूरे होल को वहां पर दिखा रही है तो वहां पर होगा सिनेक ड्यूकी। इतने ही फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। उसके बाद कोई मुझे बताएगा यहां पर अपना राइमिंग स्कीम क्या है, कोई बताएगा मुझे राइमिंग स्कीम, देखो राइमिंग स्कीम बताओ मुझे, ए बी ए बी, नहीं ए ए बी बी, देखो वे टुडे थ्रू यू, अलॉन्ग क्रॉम वे टुडे, फास्ट पास्ट सेट अहेड, स्पेंड डिस्कंटेंट से टुडे, ऐसा ए ए बी बी, ए ए बी बी, ये है आपका
figure of sorry rhyming scheme. Rhyming scheme AA BB. इसी के साथ पीपल्स पोएट की ये खूबसूरत पोएम खत्म होती है. मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि बच्चों को ऐसी इजी इजी पोएम पूछे पेपर में. टाटा बाय बाय.